नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है और 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगा के पति से भरण पोषण का भी मांग करती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही है और आप ही से खर्चा भी मांग रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ जिस जजमेंट की मदद से आपकी जो पत्नी आपसे अलग रह रही है उन्हें आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पति से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो क्या जजमेंट है, क्या मामला है, क्या फैक्ट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवीएक्स, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, कैसे 498A फॉल्स केस को क्वैश कराना है, ये सारी चीजें और सारी प्रक्रियाएं आपको मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि किसी जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिला है, जैसे 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498A क्वैश हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार की अगर किसी एक पति को फायदा मिल जाता है और उसी जिसका वो जजमेंट आया है सेम आपके भी केस में वही फैक्ट है, तो आप भी अपने केस में उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर यूज करके फायदा ले पाते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट जिसमें पति को फायदा मिला है वो पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। तो ऐसे में एक बार पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम के लिए आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेंगे, जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे और त्वरित आपको निस्तारण आपका केस होगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है, मैसेज व्हाट्सएप पर करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। ये जो जजमेंट है वो पूनम वर्सेस महेंद्र कुमार के केस में आया है और 125 सीआरपीसी से संबंधित जजमेंट है। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कह दिया है कि पति से अलग रहने वाली जो पत्नी है, अगर पति से अकारण अलग रह रही है, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो जो मैंने ग्रुप बताया उससे आप जुड़ जाइएगा, वहां आपको जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी, जिसका यूज अपने केस में करके 125 सीआरपीसी खारिज करा दीजिएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 498A और साथ ही साथ 125 सीआरपीसी का केस भरण पोषण के लिए दर्ज कराती है। अब जब ये केस दर्ज हो जाता है तो उसमें पति जो पत्नी होती है ये कहती है कि जो पति है वो कारपेंटर है और अच्छे खासे रुपए कमाता है, उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। जब पति इस मुकदमे में हाजिर होता है तो यही कहता है कि जो पत्नी है अच्छा पढ़ी लिखी है, 10,000 रुपए उसे प्रति माह मिल भी रहे हैं, यानी वो कमा रही है, साथ ही साथ वो अपनी मर्जी से पति से अलग रह रही है, अलग रहने का उसके पास कोई औचित्य कारण नहीं है, वो अपनी मर्जी से घर गई है और पति के साथ नहीं रहना चाहती है और सिर्फ भरण पोषण लेके पति को परेशान करना चाहती है। जब मजिस्ट्रेट के वहां ये केस चलता है उसके बाद मजिस्ट्रेट पत्नी के आवेदन को खारिज कर देते हैं और भरण पोषण देने से मना कर देते हैं और कोर्ट यही कहता है कि जो पत्नी है वो अकारण पति से अलग रह रही है, उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। पत्नी सेशन कोर्ट जाती है, वहां से भी उसका आवेदन खारिज हो जाता है। उसके बाद पत्नी हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट में पत्नी ये कहती है कि जो फैसला हुआ है गलत हुआ है,
ढंग से भरण पोषण मिलना चाहिए। कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि जो पत्नी है वो अकारण पति से अलग रह रही है, जो पत्नी है वो खुद अपनी मर्जी से पति के घर से गई है, पत्नी का उद्देश्य सिर्फ भरण पोषण लेना है और पति से तलाक ले लेना है और भरण पोषण लेके अपना गुजर बसर करना है, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, पति के साथ रहने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, पति को सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल गई उसके बावजूद भी वो पति के साथ रहने नहीं गई। तो जहां पत्नी जो है वो पति के साथ ही नहीं रहना चाहती है वहां उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। पत्नी जो अपने आरोप लगा रही है कोई साक्ष्य भी उसका प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, अलग रहने का कोई ठोस कारण और ठोस साक्ष्य भी नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और जो कोर्ट होता है वो निचली अदालत के फैसले को सही मानता है और पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर देता है। तो इस जजमेंट से यही चीज सामने निकल के आ रही है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अकारण अलग रह रही है, अपनी मर्जी से अलग रह रही है, साथ नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और उसका भरण पोषण का मुकदमा खारिज होना चाहिए। तो ये जजमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल है, अपने केस में अगर आप यूज करते हैं तो गारंटी है कि 125 सीआरपीसी खारिज होगा और पत्नी को भरण पोषण देने से आप बच जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि जजमेंट की कॉपी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।